हम बाजार से भिन्न भिन्न तरीकों के प्रोटीन शेक खरीदते रहते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं हमारे या हमारे बच्चों के लिए एकदम सही मायने की खुराक क्या है? किस मात्रा में और आंखों के सामने साफ सुथरा और स्वच्छ बना हुआ प्रोटीन कितना शक्तिशाली हो सकता है, आइए चले जानते हैं। ये जो प्रोटीन आज हम घर पे तैयार करके बना रहे हैं, ये एकदम आपकी आंखों के सामने साफ सुथरा, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर बन के तैयार हो जाएगा। इस प्रोटीन को बनाने के लिए लगभग हमने एक कटोरी के आसपास बादाम लिए हैं। बादाम हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाए, क्योंकि इसमें विटामिन डी, कैल्शियम और मैंगनीज जैसी चीज़ें होती हैं। साथ ही में दोस्तों हमने डाले हैं काजू। शरीर में एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होता है काजू, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, कैल्शियम को बहुत ही बढ़िया रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, त्वचा को निखारता है। साथ ही में दोस्तों हमने ले लिए हैं थोड़े से अखरोट। अखरोट बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है, जो हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए एकदम सही एनर्जी है। वो सारी चीज़ें इन चीज़ों में पाई जाती हैं। इसमें पाए जाने वाले अल्फा लिनोलेनिक एसिड हड्डियों को मजबूत रखता है। साथ ही में दोस्तों हमने कुछ पिस्ता डाले हैं। पिस्ता में विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन ले जाने में बहुत मदद करता है। इन ड्राई फ्रूट्स के आमूमन फ़ायदे सभी को पता होते हैं, इसलिए हर कोई अपने घर में अपने लिए ड्राई फ्रूट्स रखता है और इन्हें हेल्दी समझता है। हमने क्या करा है, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। बस जैसे ही ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट आप भून ले 3 से 4 मिनट, आपको इसे एक खाली प्लेट या ट्रे में निकाल लेना है। दोस्तों इन सब में मिनरल्स और विटामिन की मात्रा इतनी भरपूर है, और ये जो प्रोटीन शेक या फिर प्रोटीन पाउडर हम घर पे तैयार कर रहे हैं, ये प्रोटीन पाउडर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और ये आपकी आंखों के सामने बन रहा है, तो आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स में आपको धोखा भी नहीं होगा। तो चलिए, ये भुना हुआ सारा हमने निकाल दिया, और अब हमने डाला है ओट्स। इसमें ओट्स एक कटोरी डाला है, और इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। साथ ही में दोस्तों हमने इसमें डाल दिए हैं 2 बहुत ही बड़े तरीके के बीज, एक है पम्पकिन सीड और एक है हमारा सनफ्लावर सीड, और साथ में डाला हमने चिया सीड। पम्पकिन सीड को हम कद्दू का बीज भी कहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी बेहतर रखता है, हमारे को नींद अच्छे से दिलाने में हमारी मदद करता है, ताकि अच्छे से हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो सके। साथ ही में जो हमने सूरजमुखी के बीज लिए हैं, वो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। सूरजमुखी के बीज में मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं, और हृदय को भी स्वस्थ रखता है। सूरजमुखी में विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। साथ ही में दोस्तों हमने जो इसमें चिया सीड्स लिए हैं, वो हमारा वजन कम करने में और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। तो एक ओवरऑल हेल्दी डाइट, हेल्दी हम प्रोटीन शेक तैयार कर रहे हैं। अभी हम इसमें 2 चीज़ें और डालेंगे, इसको और भी स्वादिष्ट और भी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर बनाने के लिए। ये भी लगभग हमारे को 3 से 4 मिनट भून लेना है लो आंच पे, और इसे भी फटाफट से उसी थाली में मिला लेना है, और उसके बाद इसको हाथ से हल्का सा चला लीजिए, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक ये मिक्स हो रहा है, हमने एक चीज़ और भूननी है, और उसके बाद एक चीज़ और डालनी है। हमने इसमें मखाने और भूनने हैं। मखाने भूनने का हमारा क्या कारण है? मखाने में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स हाई होते हैं, हमारे को सपोर्ट करता है वेट लॉस में, या फिर वेट मैनेजमेंट की बात करूँ, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रमोट करता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसमें। तो कुल मिला के मखाना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मखाने में होती है वो होता है कैल्शियम, यानी कि हड्डियों को मदद करना। तो इसे भी हमने थोड़ा सा भून लिया है, और ये भुना हुआ मखाना भी, जो हमने अभी 8 चीज़ें भून के रखी हैं, 4 तो हमारे हो गए ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, और 4 हो गए हमारे बीज, जिसमें हमारे कद्दू का बीज है, हमारा सूरजमुखी का बीज है, साथ ही में चिया सीड्स हैं, और हमने थोड़ा सा आपके सामने ओट्स भी डाला था, और ये 9वीं हमारी चीज़ मखाना अंदर चली गई। इसको आपको फटाफट से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, हमने इसको मिक्सी में पीस लेना है। प्रोटीन शेक लेकिन ऐसे मज़ेदार थोड़ा कम लगेगा, हमें को इसमें एक स्वाद का तड़का भी देना पड़ेगा, ताकि ये हमारे बच्चों को स्वादिष्ट लगे। वो कई इतने मिनरल्स और विटामिन्स वाली चीज़ के लिए ना कह दें, वो ये ना कह दें कि यार मम्मी ये तो टेस्टी नहीं है, या फिर आज हमें कुछ नई चीज़ खानी है। और आपके लिए भी ये बहुत बेहतर है, और आपको भी इसमें थोड़ा सा स्वाद का तड़का देने के लिए हम इसमें एक यूनिक चीज़ डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम क्या करते हैं, इसका एक पाउडर बना लेते हैं।
दोस्तों ये ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। मैंने जो ये सारी सामग्री डाली है, ये सारी सामग्री का अगर मैं टोटल करूँ तो लगभग मुझे ये 150 रुपये के आसपास पड़ा है। और ये सारी सामग्री जो है दोस्तों, मैं लगभग इसमें आधा किलो के आसपास तैयार करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरी ये जो सामग्री है मैंने पीस ली है, और ये देखिए पाउडर तैयार है। इसको सबसे पहले तो मैं छानूंगा ताकि हमें एकदम मुंह में घुलने वाला स्वाद आ जाए, बढ़िया बढ़िया एकदम फ्लेवर तैयार हो इसका। तो चलिए इसको फटाफट से छान लेते हैं। मैं जो बोल रहा था लास्ट में एक चीज़ मिलाने वाला हूँ, वो चीज़ होगी दोस्तों मिल्क पाउडर। मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालने से इसमें थोड़ा सा वनीला फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ी सी मिठास आ जाएगी, और एक दूध में नयापन आ जाएगा, गाढ़ापन भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिला लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट से छान लेता हूँ। अब आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि जो मोटा मोटा ऊपर रह जाएगा इसका क्या करें, इसका कुछ मत कीजिए, इसको दोबारा से घुमा लेना है, और घुमा के दोस्तों आपको फिर से इसे पतला कर लेना है। और अगर आपको मोटा भी पसंद है तो काम आपका चल जाएगा, अगर आपके बच्चे पतला पतला नहीं मांग रहे हैं तो इसको ज़्यादा छानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो क्या करा है, फटाफट से जो बचा हुआ था उसको छान लेता हूँ, और छान के मैंने अब तैयार कर लिया। और एक कटोरी इसमें मैंने डाल दिया मिल्क पाउडर, इससे मिठास और फ्लेवर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और चलिए अब फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद अपना परफेक्ट मिल्क शेक वाला दूध मैं और मेरे बच्चे घर में आज इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं एक काम, इसे मिक्स करने के बाद दूध कर लेते हैं गर्म, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो रहा इंतज़ार। इतनी बढ़िया मिनरल से युक्त चीज़ मैंने तैयार करी है और मेरी आंखों के सामने तैयार हुई है। सबसे बढ़िया बात यह है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे मालूम है, इसलिए मेरे को नहीं होने वाला कोई भी धोखा। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीना दो महीना जब तक आप चाहें। मैं फटाफट से दोस्तों इसको दूध बना के चखता हूँ, आप देखिएगा कितना बढ़िया से ये घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो यह मैंने स्टोर करने के लिए पूरा का पूरा डब्बा एक भर के रख लेना है। और चलिए जैसे ही ये डब्बा भर जाए फटाफट से दूध बना लिया जाए। ये दोस्तों मिनरल्स और विटामिन्स, कैल्शियम्स, मैंगनीज जैसी ढेर सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। अब इसको कर लेते हैं कई दिनों तक स्टोर, डेली एक चम्मच सुबह ब्रेकफास्ट वाले दूध में, या फिर सोते हुए, जैसे भी आपको पसंद हो।